अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में ना, जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो ये फार्मूलाज अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ना, उसके रिलेटिव देख लेते हैं कि रेलिवेंट जो भी आ रहे हैं तो वो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर जैसे कोई और आएगा टॉपिक तो उसके टॉपिक के साथ ही हम पीछे टच कर लेंगे। कहते हैं सही है। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई। ये अब आपको पता है ये प्लेन कौन सा होता है? एक मिनट, अच्छा भाई फर्स्ट का सेवंथ पार्ट है इसका, सेवंथ पार्ट है फर्स्ट का? जी। नहीं, जस्ट हमने वो बता देना है, मतलब हमने बताना है, लोकेशन बतानी है उसकी ना। मैं एक दफा थॉरली सारा बता देता हूँ, कोई नहीं, इसका सेवंथ पार्ट ही कर लेंगे। हमने देखना है कि ये हमारे पास x की वैल्यू कौन सी होती है, x ग्रेटर देन 0 कौन सी साइड पे होता है, हमें पता है ये वाला। आपको ये उस दिन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और साथ ये वाली वैल्यूज आपको बताई थी उस दिन, सारी की सारी ना, पांचों चैप्टर में भी। तो इसमें देखें हमारे पास x ग्रेटर देन 0, ये कौन सी साइड आती है, ये अपर साइड भी आती है ये वाली भी, और लोअर साइड भी ये वाली भी। तो इसको हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन। ये पूरा राइट होता है, ये सारे का सारा अपर भी और ये वाला लोअर भी। ये हमारे पास ये वाला सारा जितना पोर्शन ये वाला है, ये सारे का सारा हमारे पास होएगा लेफ्ट हाफ प्लेन। और अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके हम बताते हैं कि जो हमारे पास होगा ये वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम कहेंगे अपर हाफ प्लेन। इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन। मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो अपर, जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो लोअर हाफ प्लेन, और जो वाई एक्सिस के दाएं तरफ है उसको राइट हाफ प्लेन, जो वाई एक्सिस के बाएं तरफ है उसको लेफ्ट हाफ प्लेन। और कोई वैल्यू जैसे ये आ जाती है, ये आपको पता है, ये हमने उसमें पांचों चैप्टर में भी डिस्कस किया था। अब जैसे ये हमारे पास आ गया, ये हमने बता दिया इसका राइट हाफ प्लेन है, ये हमारे पास आ गया एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। अब एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और वाई भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब अब ये कॉमन पार्ट देखना है। अब फर्स्ट वाले का देखते हैं हम, तो ये आता है राइट हाफ प्लेन। सेकंड वाले का देखते हैं अपर हाफ प्लेन, तो उसमें दोनों कॉमन पोर्शन, ये जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, तो हमने इसका आंसर लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जस्ट ओनली हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो आपको पता है वाई एक्सिस पे जहाँ भी जाएंगे, आपके पास जहाँ भी वाई एक्सिस पे जाएंगे वहाँ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और इसी तरह वाई इक्वल टू जीरो किस पे होता है, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यूज में भी अगर इन केस आप फर्दर जाते हैं मैथ में करते हैं तो इसमें ये मैथ में क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में ना। एक्स इक्वल टू जीरो किस पे होता है, वाई एक्सिस पे, और वाई इक्वल टू जीरो किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास इस तरह आगे। अब देखते हैं हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एब्सोल्यूट वैल्यू का जिक्र किया हुआ है, मतलब अगर वैल्यू हमारे पास माइनस में भी आती है तो उसको हमने कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गया हमारे पास। अब ये देखिए, द पॉजिटिव वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नंबर 0, सो ओरिजिन 0 0 इज द ओनली पॉइंट विच सेटिस्फाई एक्स
और एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। अब उसने क्या बोला है, अब आपको पता है कि अगर आप प्लस थ्री रखो, आप प्लस थ्री रखो वैल्यू, तो इधर वाई की वैल्यू क्या आती है, माइनस थ्री। अब माइनस वाला आंसर ये बन रहा है, लाइन ये बन रही है, प्लस वाले की लाइन ये बन रही है, तो ये आपस में इक्वल तो नहीं ना हुए, तो ये जस्ट किस पे सेटिस्फाई होंगे, ये वाले पॉइंट्स, ये जस्ट जो हमारे पास होता है ना इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, उस पे सेटिस्फाई होंगे कि जीरो जीरो जब दोनों तरफ आ जाएगा उसको ही सेटिस्फाई करेगा, और ये किसी लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये आपके सामने है, हमने एक्स की वैल्यू थ्री रखी, लेट्स सपोज आप थ्री ना रखें, आप एक्स की वैल्यू माइनस थ्री ही रख लें, जब माइनस थ्री रखेंगे इधर तो इसका मतलब एक्स और वाई इधर आप उन्होंने खुद ही क्या बताया हुआ है, बराबर है, तो वाई में भी हम यही रखेंगे माइनस थ्री। लेकिन ये उसने क्या किया है, एक माइनस उसने बाहर भी है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसको क्या कर देगा, प्लस थ्री कर देगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको क्या कर देगा, प्लस थ्री, लेकिन इसके बाहर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो माइनस थ्री और प्लस थ्री आपस में इक्वल नहीं होते, डज नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये आप ये तो एक उसने नेगेशन में, आप जब भी नेगेशन करनी हो ना किसी चीज़ की, तो उसके लिए आपने एक कोई भी काउंटर एग्जांपल देनी होती है, मतलब क्लास आपने किसी क्लास को कहना नहीं ये क्लास नालायक है, तो उसका आपको पता है कि ये स्टूडेंट है इसको क्वेश्चन नहीं आता, आप उस स्टूडेंट को उठाएं उसकी नेगेशन कर दें। लेकिन जब आपने प्रूफ करना है कि ये क्लास सारी क्लास अच्छी है, फिर आपने ये नहीं करना कि एक आध स्टूडेंट उठा के, फिर आपने एज अ होल क्लास मतलब सेकंड ईयर पूरी की पूरी बॉयज़ एंड गर्ल्स पूरी क्लास जो 70 प्लस अब रिजल्ट लेंगे, ये वो फिर आपने पूरा एज अ होल प्रूफ करना है। जब आपने उसकी नेगेशन करनी होती है, नेगेशन के लिए आप मतलब उनमें से एक भी एग्जाम्पल निकाल के दे सकते हैं जिसके 70 बिलो नंबर आते हैं, तो आप कहते हैं वो नेगेशन में, जब प्रूफ देना होता है तो हमने एज अ होल बात करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एट्थ पार्ट, इसका एट्थ पार्ट। अब देखें एट्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू सेम वही है ऊपर वाले की तरह ना, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स और वाई आपस में बराबर उसने कह दिया, लेकिन इसमें हमारे पास कंडीशन इस तरह है, एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू किसके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म की तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। तो अब इधर से हमारे पास दो सिचुएशन इनकी बन गई, एक सिचुएशन में हमारे पास आ गया कि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री, एक में आ गया माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री। अगर आप इसको इसी पैटर्न से लेके चलते हैं, आपको इसकी जो ऊपर हमने देखा था इनक्वालिटीज़ में जब हमने डिस्कस किया था, इनक्वालिटीज़ में आपको पता है इसमें हम ऐड कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे इक्वेशन में होता है जब हमारे पास इधर माइनस आ जाए ना फंक्शन के साथ, उस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन है वो लेस देन में चेंज हो जाता है। अब ये माइनस जो ख़त्म, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ गया क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव थे, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री। और ये वाला क्या हो गया, ये जब एक्स के साथ माइनस ख़त्म किया तो ये बन गया एक्स लेस देन एंड इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक हो गया, ये माइनस इसका ख़त्म हो गया, तो हमारे पास इसकी जो ग्रेटर देन था वो ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या हो गया, लेस देन में आ गया। क्लियर हो गया, यस सर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अब इसमें बेसिकली बन गया, हमारे पास ये पैटर्न इस तरह बन गया, थ्री लेस देन एंड इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन एंड इक्वल टू माइनस थ्री। जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं ना, अब ये देखें थ्री किससे छोटा है, थ्री लेस देन एक्स, ये देखो उसी तरह लिखा थ्री लेस देन एक्स, और एक्स किससे छोटा है, माइनस थ्री से, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू माइनस थ्री, ये दोनों सिचुएशन हमने लिख ली।
अब ये वाली सिचुएशन हमने देखनी है उसमें, मतलब जो हमारा ग्राफ है उसमें ड्रा करके देखनी है। अब ये यहाँ तक तो हमारे पास वो उसकी सिचुएशन जस्ट अभी तक उसको हमने सिंप्लीफाई किया है, एब्सोल्यूट वैल्यूज उसकी हमने ख़त्म की हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करने के बाद हमने देखा कि वो हमारे पास कौन कौन सी लाइन आ गई। अब ये देखें, अब ये देखें, विच इज द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन राइट साइड ऑफ द लाइन। जब राइट साइड होगा तब कौन सी लाइन बनेगी, ये देखें आप अगर बनाते हैं ये वाली, ये बल्कि ये एग्जांपल है, ये इसमें भी फिट हो जाएगी जैसे ये इसमें था ना। तो ये देखें, ये हमारे पास थ्री की ही है, बल्कि ये वाला ही है, ये बनी हुई है। अब ये देखें यहाँ से हमारे पास विच इज द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे है ये वाला पॉइंट x इक्वल टू थ्री एंड ग्रेटर देन थ्री, मतलब ये वाली लाइन और इसे ग्रेटर देन ये वाली लाइन इससे बड़ी जो आएंगी। और ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये लेफ्ट साइड पे है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव किस साइड पे होती है, इस साइड पे। जब x इक्वल टू माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस थ्री से x क्या होगा, x लेस देन एंड इक्वल टू माइनस थ्री, तो ये वाली वैल्यू। अब ये जस्ट वो वाली हमने दो लाइंस ड्रा कर दी, एक x इक्वल टू थ्री वाली, जहां आपको पता है जब आपने ये पांचवें चैप्टर में डिस्कस किया है हमने, तो इसकी हम क्या बनाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन लेस देन एंड इक्वल टू की। जब भी हमारे पास लीनियर इनक्वालिटीज होती हैं उसको हम इक्वालिटीज में कन्वर्ट करने के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन या क्रोस्पॉन्डेंट इक्वेशन बनाते हैं, क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो वो बनाने के बाद हमारे पास आंसर क्या बनता है, एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, वो हम ग्राफ में उसको ड्रा कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास है इसका नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में हमारे पास दो लाइंस उसने बोल दिया, एक लाइन जब भी इक्वल टू का वर्ड बोल दिया, इक्वल टू का मतलब आपको फौरन ही पता लग जाना चाहिए, इक्वल टू मतलब वो वाली लाइन ही होगी जो हम बनाते हैं, या हम बनाते हैं। कहता है एक्स ग्रेटर देन टू एंड वाई इक्वल टू टू, कहता है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू 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 फॉर विच। अब ये इसने ऐसे लिखा है, ये जब इसका हम ये वाली ग्राफ बनाएंगे, अब ये देखें y इक्वल टू टू कहाँ पे होता है, ये हमारे पास हमने कह दिया कि वन है, y इक्वल टू ये टू है, ये टू की लाइन जा रही है ये वाली, एक मिनट इसको, आज दरअसल वो मेरे पास नहीं है दूसरा वैकम। अब ये हमारे पास है टू लाइन, अब जैसी बनी है वो गुजारा कर लेना इसका ना। अब माउस से बना रहा हूँ तो उसे इस तरह की बनेगी। अब ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, टू, ठीक है। वाई इक्वल टू टू की लाइन हमारे पास ये वाली बनती है, क्योंकि ये पॉइंट वाई की वैल्यू पॉजिटिव थी, वो वाली वैल्यू आएगी। और एक्स कौन सी वैल्यू है हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स ग्रेटर देन टू हमारे पास कहाँ पर होता है, एक्स ग्रेटर देन टू, ये देखें ये आ गया हमारे पास वन, ये आ गया टू। अब टू ग्रेटर देन हमारे पास ये वाली वैल्यूज, तो उसमें हमारे पास इसमें हमने यही लाइन लिखनी है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन लाइन वाई टू, वाई टू पे ये वाली लाइन जब आगे बढ़ती जाएगी इस पे पॉइंट आते जाएंगे ना, मतलब टू की वैल्यू आप कॉन्स्टेंट रख लें, वाई की वैल्यू इधर वैल्यू आ जाएगी, ये मिलेगी वैल्यू। सबसे पहले हमने देखनी है इधर टू से ऑनवर्ड देखनी है, ये हम देखेंगे थ्री पॉइंट, पहला बन जाएगा थ्री टू, फिर पॉइंट बन जाएगा फोर टू, मतलब उसकी एक कांस्टेंट स्पीड है। और चेंज क्या हो रहा है, ये टाइम चेंज होता जा रहा है, मतलब आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपकी एक कॉन्स्टेंट स्पीड, आपने 120 की स्पीड अटेन की हुई है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो कवर होता जा रहा है। फिर आपका फाइव आ गया और वाई की वैल्यू टू ही रहनी है,
लगी समझ? कि कहता है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, लाइन वाई पे, मतलब वाई की ये लाइन आगे बढ़ती जानी है ना, ये लाइन आगे चलती जानी है, तो इधर से एक्स की वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, ग्रेटर देन टू वाली। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू वाली हमारे पास कौन सी आएंगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू हमारे पास वो आएंगी 2.1, 2.2, वो हमने 2 पॉइंट में तो नहीं ली, हमने ये 3 ले ली, 4 ले ली, 5 ले ली, 6 ऑनवर्ड ये चलता ही जाएगा हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। सर एक पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में 2 का, ये क्लियर हुआ ना? यस सर। ओके ओके, सेकंड पार्ट का 8। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसमें वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही थी ना 2, दोबारा देख लें, वाई की वैल्यू ये थी 1 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। एक मिनट में लैपटॉप लगा लूं चार्जिंग पे। तो ये देखें भी हमारे पास थी वैल्यू 2, y की वैल्यू ये वाली 2 थी, और y की वैल्यू ये कांस्टेंट रहनी है, उधर बढ़ती जानी है, बेशक वो लेफ्ट साइड पे देखें वो राइट साइड पे देखें, तो ये y की 2 वाली जो लाइन हमने अगर पांचवा चैप्टर देखते हैं तो हम ये लाइन ड्रा करते हैं, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, 1 ये आगे 2, इससे आगे वाली जितनी भी वैल्यू आती जानी है वो x की वैल्यू आती जाएंगी, x की वैल्यू चेंज होती जानी है, y की वैल्यू एक मुस्तकिल वैल्यू बन गई, उसने फिक्स वैल्यू कर दी 2। तो इसी तरह मैंने पहले बताया था 3 ग्रेटर देन, इससे भी याद रखना है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी वाली वैल्यू हो, मतलब इस लाइन से बड़ी वाली वैल्यू हो वो 3 बनती है, और y की वैल्यू 2, 4 2, 3 a 6 2, मतलब y की वैल्यू ये कांस्टेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू भी जाती जाएगी, और इधर से x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसका इसलिए उसने कह दिया तमाम ऑल पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इस लाइन पे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अली इसका दूसरे का क्या, कौन सा था दूसरे का, 8वां ए पार्ट, ए पार्ट दूसरे का, ए पार्ट। अच्छा ये तो सिंपल वो जिसे कहते हैं बच्चों वाला सवाल है, इसमें कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स और मिड पॉइंट्स, उनका जो लाइन सेगमेंट है हमने लास्ट टाइम बल्कि यही पढ़ा था, डिस्टेंस मिड पॉइंट एंड रेशियो फार्मूला, और इसके बारे में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अच्छा अभी इसका ए पार्ट है, ए पार्ट में अब उसने 2 पॉइंट्स दे दिए, डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको लास्ट टाइम फार्मूला बताया था, उसका फार्मूला हमारे पास होता है ए बी का, माइनस 2 में से 3, माइनस 3 माइनस कर दिया ये लिख लिया उनका स्क्वायर, माइनस 4 में से 1 माइनस कर दिया, माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 25 50, इसको लिख सकते हैं 2 × 25, ये बन जाएगा हमारे पास 5 × 2। जी जी डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला वो ही x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसमें उसने 2 सवाल पूछे हुए हैं ये ए पार्ट में ना, उसने कहा है ये 2 पार्ट मालूम करें, एक तो इनका डिस्टेंस मालूम करना था 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, दूसरा क्वेश्चन उसने इसी क्वेश्चन पे हमने का दूसरा क्वेश्चन भी करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको पता है कि ये फार्मूला लिखा हुआ है मिड पॉइंट का ना, पहले में एक्स वाले में एक्स वन में एक्स टू ऐड करो, उसको डिवाइड कर दो 2 पे, फिर y1 को y2 में ऐड करो, उसको डिवाइड कर दो 2 पे। तो ये देखें इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास 3, 3 में माइनस 2 ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, फिर 1 में हमने क्या ऐड किया
माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू, तो ये बन गया हमारे पास थ्री माइनस टू वन, वन बाई टू आ गया, और वन माइनस फोर ये बन गया हमारे पास माइनस थ्री बाई टू, ये इसके मिड पॉइंट्स भी आ गए और ये हमारे पास इसके क्या आ गया डिस्टेंस भी आ गया। अली नेक्स्ट बी पार्ट है, इसका बी पार्ट भी है, बी पार्ट भी सेम एज इट इज यही होगा, उसमें भी यही हमने फार्मूला फाइंड आउट करना है, यही फार्मूला है हमारे पास, बल्कि उसका आप मुझे फौरन बताओ, इधर से डायरेक्ट ही बता दो, टू माइनस एट वो टेन हो जाएगा, टेन का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा हंड्रेड, ए हंड्रेड आ गया, प्लस माइनस वन और माइनस थ्री ये कितना बन जाएगा हमारे पास माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा सिक्सटीन, ये हो गया इनका अंडर रूट 116 को हम कर सकते हैं 116 को हम कोई इस तरह का फार्मूला बनाओ कि अगर कोई इनका मतलब कॉमन शामन निकल सकता हो, मतलब कि खुद ही निकाल लेना इनका ना, वो इस मेथड से निकाल लेना, नहीं तो 116 लिख के दो कितने बार, दो पांच बार, दो आठ बार, इस तरह मतलब आप निकाल सकते हैं उनके ना, मतलब जो कॉमन चीज़ आ जाएगी वो बाहर निकालना है, जैसे इसमें से किया था हमने, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जब हम इसका निकाल लेंगे मिड पॉइंट्स बी पार्ट का ही, बी पार्ट का मिड पॉइंट जब निकाल लेंगे, मिड पॉइंट माइनस एट और टू कितना हो गया माइनस सिक्स, दोनों को जब ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई टू, दरमियान में कॉमा, थ्री प्लस ये माइनस वन ही है, माइनस वन ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू, तो मिड पॉइंट इसके बन गए हमारे पास माइनस सिक्स को टू पे डिवाइड करेंगे तो माइनस थ्री, और ये थ्री माइनस वन टू, टू डिवाइडेड बाय टू वन, ये इसके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड हाँ जी, डिस्टेंस फार्मूला लगना है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमने इसमें, डिस्टेंस फार्मूला आपको उस दिन भी बताया था, डिस्टेंस फार्मूला सिंपल वही डिस्टेंस फार्मूला लगना है पहले में, मतलब इसमें दो चीज़ें लगानी है, पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाना है उसने कहा है, फिर मिड पॉइंट, दोनों फार्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अली तीसरे का कौन सा था, क्वेश्चन नंबर फोर, थर्ड नहीं थर्ड नहीं है नहीं, अच्छा थर्ड में से ये जो है ना एक क्वेश्चन इनमें से था जिनका 15 बनता है, ये एमसीक्यूज में आता है, ये बहुत दफ़ा पे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला ना, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में काफ़ी दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका डिस्टेंस हमारे पास 15 यूनिट्स आता है, वो ये वाले का आता है हमारे पास, वो आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रॉम रीजन जब का है ना, रीजन के पॉइंट्स आपको पता है क्या होते हैं, जीरो जीरो, ये देखें 176 माइनस जीरो का स्क्वायर, सात माइनस जीरो का स्क्वायर, 176 का स्क्वायर हमारे पास ये खत्म हो गया 176 रह जाएगा, सेवन का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 49 और 176 दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 225 हमारे पास स्क्वायर होता है 15 का, तो 15 स्क्वायर यूनिट हमारे पास ये बन जाता है इसका, तो ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, पहला पार्ट, अच्छा भी अच्छा, राइट ट्रायंगल, तीन चार तरह की हमने ट्रायंगल थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, आपसे भी पूछ लेते हैं ट्रायंगल कौन कौन सी होती है, एक राइट ट्रायंगल कौन सी होती है हमारे पास, ऐसी ट्राइंगल जिसमें उसका एक एंगल 90 का हो, ठीक है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होती है स्केलन ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें उसकी तीनों साइडें आपस में बराबर ना हो, स्केलन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्राइंगल ऐसी होती है जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर हो, तीसरी साइड्स आपस में बराबर ना हो, जिसमें कम अज कम दो साइड्स आपस में बराबर हो। फिर हमारे पास होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं,
मतलब इसका डिस्टेंस भी पांच, इसका डिस्टेंस भी पांच और इसकी डिस्टेंस भी पांच, इस तीनों साइडों का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ जाए, इसका भी डिस्टेंस पांच सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर, वो इक्विलेटरल, इसमें पांच सेंटीमीटर और सिक्स सेंटीमीटर को या टू सेंटीमीटर कर ले, मतलब इन शॉर्ट दो का सेम हो, इसमें तीनों का डिफरेंस होता है, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइव, बी की सिक्स, सी की सेवन, और जो हमारे पास है राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, एक एंगल कौन सा होता है, नाइन्टी का। अच्छा भाई ये हो गया हमारे पास, अब हम करते हैं इन क्वेश्चन को, अब हमने ये प्रूव करना है बाय क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस फार्मूला के जरिए इसको प्रूव करना है हमने, राइट ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल, और ये कौन सी है, द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो आपको बताया था ना लास्ट टाइम भी, पैरेललोग्राम भी इसमें बनेगी हमारे पास, तो आप इसको अगर ड्रा करते हैं ना, आप एक प्लेन लें पांचों चैप्टर की तरह, उसमें ये पॉइंट सारे ड्रा करें एक दूसरे सबको मिला दें, तो आपके पास एक इसी तरह की एक है ना ट्राइंगल ही बनेगी, और बनेगी भी वो राइट ट्राइंगल एग्जैक्ट, मतलब बनेगी जिसमें 90 का एंगल ही आपके सामने आता होगा। अच्छा भी इसका फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, कहता है द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, अब राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो आपको फार्मूला शायद याद हो, राइट ट्राइंगल में फार्मूला एक हमारे पास लगता होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस के प्लस आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लें आप, तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लिया आपने, ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया और सी ए का, अब देखें ए बी का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, अंडर रूट 12, फिर आपने बी सी पे फार्मूला लगाया, मतलब ये दो वैल्यू यूज़ की, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, जीरो माइनस अंडर रूट थ्री और माइनस टू माइनस वन, ये प्लस वन हो जाएगा, तो इस पे फार्मूला लगा तो इसका आंसर आ गया टू, ठीक हो गया। फिर थर्ड वन हमारे पास आ गया सी ए, सी ए हमारे पास जब हम लगाएंगे तो उसका फार्मूला भी हमारे पास क्या आ गया, फोर। अब ये देखें हमारे पास, आपके पास ये हमारे पास आ गया इधर, ये वाली वैल्यू इसकी 16 आ गई, 16। अब ये इन्होंने कैसे की है, अब आपको पता है, अभी आपको बताया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास, आपको पता है कि दो, कोई भी दो साइड्स को हम जमा करें उनका स्क्वायर करके, तो उनका आंसर थर्ड के किसी के बराबर आता है। अब ये देखें फोर का स्क्वायर किया, तीनों का स्क्वायर कर लें, फर्स्ट ए बी का स्क्वायर किया 12 आ गया, बी सी का स्क्वायर किया 4 आ गया, सी ए का स्क्वायर किया 16 आ गया। अब इसका मतलब आपका जो एच हाइपोटेन्यूस है वो कितना आ गया हमारे पास, 16 है, और आपके पास बेस या ये परपेंडिकुलर दोनों में से कोई कुछ कह दें, ये आ गई 12 प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16 इक्वल टू 16। तो आप इधर से बता सकते हैं कि हमारे पास ये है एक राइट ट्राइंगल के ही साइड्स हैं, ये पैथागोरस थ्योरम आपने जो लगा दिया इस पर, ये अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये पैथागोरस थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम के तहत हम देखेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये एक राइट ट्राइंगल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा वो इससे पहले वाला जो इम्पोर्टेंट था वो शॉर्ट में काफ़ी आया हुआ है, चले कोई नहीं, खैर। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कहता है द पॉइंट ए एंड बी आर द एंड ऑफ अ डायामीटर, एंड ऑफ अ डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर क्या होता है हमारे पास, डायमीटर क्या होता है हमारे पास,
जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए। सर्कल के दो पॉइंट्स को मैं तो इधर मिला दूं, ये लो सर्कल के दो पॉइंट्स इधर भी मिला दिए मैंने, ये सर्कल के दो पॉइंट्स यहाँ आपस में मिले। सही डेफिनेशन बताओ, डायमीटर ये होता है जो रेडियस है सर। हाँ, सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए लेकिन वो गुजरे उसके सेंटर पॉइंट, नहीं 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 सेंटर पॉइंट्स में से गुजरे उसके, मतलब वो लाइन इस तरह भी हो सकती है, वो लाइन ये वाली भी आ सकती थी, वो लाइन क्रॉस में भी कोई हो सकती थी, लेकिन उसके सेंटर में से गुजरे। या इस तरह कह दो कि रेडियस का डबल हमारे पास क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर डायमीटर आप इधर लिख सकते हैं 2r, और रेडियस की डेफिनेशन आप यही कहते हैं, रेडियस की डेफिनेशन इधर से आप करते हैं, रेडियस क्या करते हैं डायमीटर का हाफ। ये आपने फार्मूला ये याद किए हुए हैं ना, जिसमें सर्कमफ्रेंस का भी आपका आता है 2πr, जब इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं पाई आर स्क्वायर सर्कल का। ये छठे चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में हम करेंगे इंशाल्लाह ये वाला काम। तो हमारे पास इसका डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के ये ए और ये बी पॉइंट, वो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में कट कर सकता है, लेकिन टच करता है, लेकिन गुजरे कहाँ से, सेंटर पॉइंट में से। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एंड पॉइंट्स थे, तो फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। जब हम सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास हम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लाजमी बात है ना। अगर हमारे पास ये पॉइंट आ गया तो हम कहीं का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, सी से बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, या सी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, वो आपके पास क्या है, रेडियस है, वो जिस तरफ मर्जी मूव कर लो, हर तरफ सेंटर पॉइंट से जिस तरफ मर्जी टच करो आप सर्कल को, वो उसका रेडियस होता है। अब अच्छा, इसमें हमारे पास, अब हमें उसने नहीं बताया कि इसका क्या क्या फाइंड आउट, बल्कि ये फाइंड उसने बता दिया, फाइंड द सेंटर। जब सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास मिड पॉइंट, सेंटर का अल्टरनेट हमारे पास सिनोनिम है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस फाइव प्लस फाइव दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, जीरो डिवाइडेड बाय टू, ये आंसर क्या बन गया, जीरो। फिर माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स को डिवाइडेड बाय टू किया तो माइनस थ्री। अब ये इसके सेंटर पॉइंट आ गए। अब इसका एक पॉइंट ये ले लो, इन दोनों में से आप जो मर्जी ले लो, उन दोनों का डिस्टेंस मालूम कर लो, मतलब इधर से इधर तक का डिस्टेंस मालूम कर लो, ये नहीं मालूम करना तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस मालूम कर लो, कोई भी डिस्टेंस आप मालूम करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, उसका रेडियस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है ये वाली ना, इनमें से बाद का वो लॉन्ग में भी आते हैं, लेकिन वो उसने क्वेश्चन उस तरह के दिए नहीं है अब ना, वो उसमें पैरेललोग्राम वाले थे या दूसरे थे, और ना जिसमें ये राइट ट्रायंगल वाला भी आता है पेपर में ना लॉन्ग एज अ लॉन्ग। तो नेक्स्ट हाँ हाँ तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस हमारे पास आया, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, उसके रेडियस के बराबर, आर के बराबर होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है, अभी तक हम तीन फार्मूलाइज ही अप्लाई करते आ रहे हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक हमारे पास है मिड पॉइंट, और थर्ड वन हमारे पास है रेशियो फार्मूला। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अच्छा चलें दो मिनट हैं अभी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास उसी तरह कहता है फाइंड एच सच डेट पॉइंट, पॉइंट अब उसने बता दिए कितने, एक दो और तीन, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स किस पे है, ए पे। अब वर्टेक्स क्या है हमारे पास, राइट एंगल मतलब 90 का जाविया जो बन रहा है हमारे पास वो किस पे बन रहा है, वर्टेक्स ए पे। मतलब अगर हम इसकी ड्रा करते हैं तो हमारे पास किस तरह आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई राइट ट्रायंगल, तो ये हमारे पास है इसका 90 का एंगल, यहाँ पे हमारा ए होगा, बाकी बी और सी आप जो मर्जी रख लें। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है अभी आपने, बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है अभी अली आज, नो सर नहीं किया। तो राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपको पता है क्या मालूम करने आया आपने, ए बी, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर सी ए का डिस्टेंस। अभी हमने एक क्वेश्चन किया तो है जिसमें राइट ट्रायंगल प्रूफ किया है,
तो उसी तरह उनका स्केल करके इनको आपस में बराबर रखेंगे तो उधर से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि रह गया एक मिनट तो अब क्लास खत्म हो गई। एक्सरसाइज हाँ खत्म, एक्सरसाइज ही खत्म होगी। यस सर, आपकी तो बहुत मजे लगी है फिर। चलो ठीक हो गया, फिर ये खत्म हो गया आपकी एक्सरसाइज भी। कल इंशाल्लाह फिर हम 4.2 वो भी एक दिन में खत्म कर लेनी हमने इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़। हो जाएगी राउंड। हाँ इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़।